जय हिंद, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एग्जाम पोर्ट सीडीएस सीएपीएफ एफकैट एग्जाम प्रेप यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ चंदन रोशन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इम्पोर्टेंट सेशन ऑफ टुडेज मॉर्निंग। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में। आज के इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में, यानी कि भारत का जो परिवहन तंत्र है उसको हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आई होप कि आप सब लोग बेहतर हो, बेहतरीन हो, और आप सबकी प्रिपरेशन अपने लेवल पे बिल्कुल टॉप मोस्ट चल रही है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन, लेट्स स्टार्ट द क्लास। अब देखो, यदि हम इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करेंगे तो आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इंडिया की, उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं, ठीक है ना। जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इसको कैटेगराइज किया गया है कितने पार्ट्स में, तो आपको ध्यान रखना है कैटेगराइज्ड इन फोर टाइप्स। इसको हम चार टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला आपका क्या आ जाएगा इसमें, तो आपको ध्यान रखना है रोडवेज। जो दूसरा इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है इसको हम लोग किसमें लेकर के आते हैं, तो आप बताओगे रेलवेज। तीसरा जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारी क्या हो जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे एयरवेज। और जो चौथा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो आप बता दोगे वाटरवेज। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा मार्ग, तो आप बताओगे सड़क मार्ग। इसके बाद आपकी हो जाएगी रेल मार्ग, फिर आपकी हो जाएगी यहाँ पे वायु मार्ग, और तीसरे पे आपकी हो जाएगी कौन सी, तो आप बता दोगे जल मार्ग। इसको आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना है। मैं क्लियर टू एवरीवन। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 1943 में अगर कोई भी आपसे पूछे कि जो रोडवेज का क्लासिफिकेशन किया गया है वो किसके बेसिस पे, तो 1943 में आप लोगों को ध्यान रखना है कि लाया गया था एक नागपुर प्लान, ठीक है ना। तो 1943 के नागपुर प्लान पे बेस्ड, ठीक है ना, जो हमारा इंडियन रोडवेज है, ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। इसको अलग अलग फॉर्म्स में इंडियन रोडवेज हैव बीन क्लासिफाइड एज, इसका वर्गीकरण किया गया हैव बीन क्लासिफाइड एज विच वन। इसको सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्लासिफाई किया गया है किस फॉर्म में, तो सबसे पहला इसमें आ जाएगा रूरल रोड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो आप बता दोगे ग्रामीण सड़क। और ग्रामीण सड़क किसके कंट्रोल में होती है, तो आप बताओगे पंचायत, यानी कि जो पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो बेसिकली इसका निर्माण, इसके देखरेख में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। रूरल रोड्स के बाद जो सेकेंड है वो क्या आ जाएगा, आप लोग बताना फटाफट, बोलते चलो मैं लिखता चलूंगा। दूसरा क्या आ जाएगा, तो आप बताओगे डिस्ट्रिक्ट रोड्स आ जाएगी, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, तो इसको हम लोग बोल देंगे यहाँ पे जिला सड़क, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट रोड्स। अब सवाल ये है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं ये किसके कंट्रोल में होती है, किसके नियंत्रण में होती है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसकी जो मेंटेनेंस है, इसका जो रख रखाव है वो किसके अंतर्गत होता है, तो आप बताओगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। किसके अंतर्गत आती है, तो आप बता दोगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और जब हम जिला प्रशासन की बात करते हैं तो इस जिला प्रशासन के अंतर्गत कौन आएगा, तो जिला प्रशासन में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीसी, या फिर इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही है। तीसरे नंबर पे आपका आता है कौन, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये जो रूरल रोड्स हैं और ये जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, तो अगर हम रूरल रोड्स और डिस्ट्रिक्ट रोड्स इसके कनेक्शंस की बात करें कि इसको किसके थ्रू कनेक्ट किया गया है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसको क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था, इसको इनिशिएट की गई थी ताकि हम ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड कर सकें अपने ग्रामीण क्षेत्रों को, ताकि हमारे गांव में दूर दराज क्षेत्रों में जाने वाले जो लोग हैं उनको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। और ऑल वेदर रोड्स का मतलब ये हुआ कि चाहे गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो, बाढ़ हो, कुछ भी आ जाए, लेकिन आप आसानी से एक डिस्ट्रिक्ट से अपने गांव तक आसानी से क्या कर सको, ट्रेवल कर सको। उसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का निर्माण किया गया। और आज मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं, आप में से अगर बहुत सारे लोग जो अपने गांव जाते हो, ठीक है ना, या पहले जाया करते थे आज से 10 साल पहले और अब जाते हो, तो इसमें आपने एक चीज बहुत अच्छे से देखा होगा और इस चीज का अनुभव किया होगा कि ग्रामीण सड़कें जो हैं वो काफी ज्यादा विकसित हुई है। और अगर ग्रामीण स्तर की सड़कों को विकसित करेंगे हम, तो जो भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज वहां पे परफॉर्म की जाती है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वहां पे
प्रोड्यूस की जाती है हमारे फार्मर्स के द्वारा, उनको हम बेहतर एक्सपोजर दे सकते हैं और उनको बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के थ्रू हम विलेज लेवल से निकाल करके और डिस्ट्रिक्ट लेवल के मार्केट में उसको सेल कर सकते हैं, ताकि जो फार्मर्स के जो प्रोड्यूस है उसको सही प्राइसेस वहां पे दी जा सके। आई बात समझ में? अब डिस्ट्रिक्ट रोड्स के बाद आपका कौन सा आ जाएगा? अब आता है आपका स्टेट हाईवेज। अब हम लोग किस पे आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है स्टेट हाईवे, इसको हम बोलते हैं राजकीय राजमार्ग। राजकीय क्या चीज, तो आप बताओगे राजमार्ग। तो अगर हम स्टेट हाईवेज की बात करें तो ये किसके अंदर में होता है, तो आप बताओगे पीडब्ल्यूडी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी कि हम क्या बोलेंगे इसको, तो लोक निर्माण विभाग, ठीक है ना। तो जो लोक निर्माण विभाग है इसको आपको ध्यान रखना है ये किसके अंतर्गत आती है, इसके अंतर्गत आपका क्या आता है, स्टेट हाईवे आता है। फिर आपके चौथे नंबर पे आ जाएगा कौन सा, नेशनल हाईवे, और साथ ही साथ यहाँ पे आप लिख सकते हो किसके बारे में, एक्सप्रेस वेज के बारे में। अगर कोई आपसे पूछे कि एनएच और एक्सप्रेस वे इज कंट्रोल्ड बाय, इसका नियंत्रण किसके हाथ में होता है, तो आप बताओगे कंट्रोल बाय एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, इसको एक स्वायत्त संस्थान के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है, इज कंट्रोल्ड बाय एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन जिसका नाम क्या है, NHAI। व्हाट इज NHAI? दिस इज नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये एक स्वायत्त संस्थान है, ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो कि कंट्रोल करती है हमारे किस चीज को, नेशनल हाईवे को, और साथ में आपको ध्यान रखना है एक्सप्रेस वे को। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी सड़कें 4 से 6 लेन्स की होती है वो एनएच में आएंगी, और 6 लेन से ज्यादा की जो सड़कें हैं वो किस में आ जाएंगी, तो आपको ध्यान रखना है एक्सप्रेस वे में, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और अगर हम NHAI की बात करते हैं तो इसकी अगर हम एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो ये कब की गई थी, तो ये जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके टेन्योर में ही इसको एस्टैब्लिश कर लिया गया था। तो इसको फॉर्म किया गया था 88-89 में, लेकिन इसको हम बहुत जगह पे आप देखोगे कि इसकी एस्टैब्लिशमेंट ईयर जो है वो 1995 दी गई है, और इसका मुख्यालय जो है वो रखा गया है कहाँ पे, तो आप बताओगे नई दिल्ली में। Am I clear to everyone? इसको ध्यान रखना है। हाँ, एक्सप्रेस वे जनरली आप कह सकते हो कि हाई फास्टर कनेक्टिविटी के लिए कंस्ट्रक्ट किया गया है, और इंडिया की पहली एक्सप्रेस वे, ठीक है ना। अगर कोई आपसे पूछ ले फर्स्ट एक्सप्रेस वे इन इंडिया, भारत की पहली एक्सप्रेस वे कौन सी है, तो फर्स्ट एक्सप्रेस वे इन इंडिया की जब हम बात करेंगे तो ये कहां से कहां तक था, तो आप बताओगे अहमदाबाद से लेकर के, और कहां तक, तो आप बताओगे वडोदरा, ठीक है ना। तो अहमदाबाद से लेकर के जो वडोदरा है, अहमदाबाद से लेकर के और जो बड़ौदा है, वडोदरा है, ये हमारा क्या था, तो पहला एक्सप्रेस वे था। एम आई क्लियर टू एवरीवन? इसको ध्यान रखना है। और जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे है, ये पहली ऐसी एक्सप्रेस वे थी जो कि NHAI के कंट्रोल में नहीं थी। जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे है, इट इज कंट्रोल्ड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ये भी ध्यान रखना है कि पहली एक्सप्रेस वे जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया, उसको निर्माण किया गया और उसको समर्पित किया गया, वो कौन सा था, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे था। इसको आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। आई बात समझ में? अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो हमारा NHAI है, जो NHAI है, इस NHAI के अंतर्गत एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम था क्या, NHDP। व्हाट इज NHDP? तो आप बताओगे नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये क्या हमारा है, नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और ये जो नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है, इसके बारे में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो NHDP हमारा है, नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसके अंतर्गत इसका जो फेज वन है, इसका जो क्या है, तो आप बताओगे फेज वन है, इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है 2 परियोजनाएं चलाई गई। एक तो आपको ध्यान रखना है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, और दूसरा आपको ध्यान रखना है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये ध्यान रखना है, 2 चीजों को ध्यान रखना है।
एक तो स्वर्णिम चतुर्भुज और दूसरा आपका उत्तर नॉर्थ साउथ, सॉरी नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण और पूर्वी पश्चिमी गलियारा, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। अगर बात करते हैं हम लोग किस चीज की, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है ना। इसका एक ही मकसद था कि भारत के जो चार महत्वपूर्ण महानगर हैं, जो चार हमारे क्या हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, इनको आपस में क्या करना, कनेक्ट करना। जिसमें आपको ध्यान रखना है एक तरफ आपकी कोलकाता हो गई, नॉर्थ में आपकी दिल्ली हो गई, वेस्ट में आपका मुंबई हो गया, और साथ में आपकी, साउथ में आपकी चेन्नई हो गई, ठीक है ना। तो ये जो चार इंपॉर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, इन चारों ही महानगरों को सड़क मार्ग के द्वारा या हाईवेज के थ्रू फास्टर कनेक्टिविटी के लिए एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करने की जो परियोजना है उसका नाम क्या रखा गया, स्वर्णिम चतुर्भुज। इसमें आपको ध्यान रखना है जो NH-19 है वो कनेक्ट करती है कोलकाता टू दिल्ली, दिल्ली टू मुंबई और मुंबई टू चेन्नई। यदि आपको यहाँ पे कम्यूट करना है तो आप इसके लिए यूज करोगे NH-48 को, और चेन्नई टू कोलकाता को कौन सी हाईवे कनेक्ट करती है तो आपको ध्यान रखना है NH-16, ठीक है ना। तो ये चारों ही हाईवेज के नाम आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। ये वो चार इंपॉर्टेंट हाईवेज हैं, ये वो चार महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि क्या करती है इन चारों महानगरों को आपस में जोड़ती है। कोलकाता टू दिल्ली इज NH-19, दिल्ली टू मुंबई इज NH-48, मुंबई टू चेन्नई इज NH-40, यानी कि दिल्ली मुंबई चेन्नई इनको जोड़ती है कौन सी, NH-48, ठीक है ना। जो NH-19 है इसकी लेंथ आपको ध्यान रखनी है 1453 किलोमीटर। इसको आपको, हाँ इसमें कहीं डाउट नहीं है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उनके समय में आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट किया गया था किस चीज का, तो आप बताओगे नेशनल हाईवे के नेटवर्क को। इसमें कहीं डाउट नहीं है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि 1453 हो गई, वहीं पे आपको ध्यान रखना है दिल्ली टू मुंबई जो NH-48 है, तो दिल्ली टू मुंबई के बीच में इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 1419। वहीं पे आपको ध्यान रखना है जब हम मुंबई से चेन्नई की तरफ चलेंगे तो उसके बीच में जो NH-48 है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 1290 किलोमीटर। और ये जो NH-16 है चेन्नई से लेकर के किसके बीच में, कोलकाता के बीच में, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 1684 किलोमीटर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि दिल्ली, सॉरी जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है उसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है जो टोटल लेंथ हो जाएगी किसकी, तो आप बता दोगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की। अगर टोटल लेंथ ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पूछी जाए तो कितनी बता दोगे आप, 5846 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 5846 किलोमीटर। दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। क्या सारा पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या यहाँ तक? जितने बच्चे लाइव हो आप लोग एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दो और साथ साथ आप लोग लाइक कर देना, ठीक है ना। अब मैं एक चीज देखो, ये जो मैप है इसको देखने की आपको जरूरत है, प्लीज लुक एट दिस मैप एक सेकेंड। ये जो मैप यहाँ पे दिखाया गया है ये किस किस को डिपिक्ट कर रहा है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को। दिस इज कोलकाता टू दिल्ली, दिस इज दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू चेन्नई, और फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, चेन्नई टू कोलकाता। दिस इज द नेटवर्क ऑफ द विच वन, यू कैन सिंपली से दिस इज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसको हमने मैप पे दिखाने की कोशिश की है आपको, ये हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है आपको, जो भारत का उत्तर दक्षिणी गलियारा है, जो हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ये शुरू होती है श्रीनगर से और जाती है कहां पर, कन्याकुमारी तक। जो उत्तर दक्षिणी गलियारा है भारत का, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो आप बताओगे 4000 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कितनी किलोमीटर है, तो आपको ध्यान रखना है 4000 किलोमीटर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, आई बात समझ में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ध्यान रखना है जो उत्तर दक्षिणी गलियारा है इसकी शुरुआत कहां से होगी, तो आपको ध्यान रखना है श्रीनगर से लेकर के यहां तक, तो आप बताओगे कन्याकुमारी तक, इसको आपको ध्यान रखना है। और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 4000 किलोमीटर की लेंथ है। अब एक चीज देखो, इसकी जो शुरुआत है उत्तर दक्षिणी गलियारा की, ये श्रीनगर से होती है, और आपको बता दूं मैं, श्रीनगर से उधमपुर, जम्मू, जलंधर, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, झांसी, उसके बाद आपको नरसिंहपुर, नागपुर,
हैदराबाद, बेंगलुरु, सेलम, मदुरई होता वो जाएगी कहाँ पे, कन्याकुमारी। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हमारा है इसमें मेजरली कौन सी हाईवे है, तो आप बताओगे NH-44। NH-44 आपको ध्यान रखना है, ये मेजर नेशनल हाईवे है जो कि आपको ध्यान रखनी है कि भाई कनेक्ट करती है श्रीनगर को किसके साथ, तो आप बताओगे कन्याकुमारी के साथ। एम आई क्लियर टू एवरी वन? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारत का जो उत्तर दक्षिणी गलियारा है, जो इंडिया की नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ये कनेक्ट करती है श्रीनगर को किसके साथ, तो आप बताओगे कन्याकुमारी के साथ। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 4000 किलोमीटर। वहीं पे आपको ध्यान रखना है जो भारत का पूर्वी पश्चिमी गलियारा है, जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ये आपको असम के सिलचर को जोड़ती है गुजरात के पोरबंदर के साथ। ठीक है ना, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है, असम के सिलचर को जोड़ती है पोरबंदर गुजरात के साथ। और इसकी जो लेंथ है पूर्वी पश्चिमी गलियारा की, वो कितनी है, 3300 किलोमीटर। कितनी लेंथ है इसकी, तो आपको ध्यान रखना है 3300 किलोमीटर। और आपको ध्यान रखना है जो NH-27 है, जो NH-27 है, ये एक मेजर नेशनल हाईवे है किसके ऊपर, तो आप ध्यान रखोगे पूर्वी पश्चिमी गलियारा के ऊपर। पोरबंदर से होता हुआ ये राजकोट, फिर आपको ध्यान रखना है कोटा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, गुवाहाटी, और वहां से होता हुआ कहां पहुंच जाएगा, सिलचर। तो NH-27 जो है ये मेजर हाईवे है किस पे हमारे, तो आपको ध्यान रखना है NH-27 इज द मेजर हाईवे ऑन द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और NH-44 जो है ये मेजर हाईवे है कहां पे, तो आप बताओगे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पे। इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ये 6 लेन हाईवे प्रोजेक्ट है जो कनेक्ट करती है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को, जो हमारे 4 प्रमुख महानगर है, ठीक है ना। तो जो 4 प्रमुख महानगर है, ठीक है ना, इनको आपस में जो जोड़ने का काम किया जाता है, जोड़ने का काम जो किया जाता है वो किसके थ्रू, तो आप बताओगे स्वर्णिम चतुर्भुज। वो किसके थ्रू, तो आप बताओगे स्वर्णिम चतुर्भुज के द्वारा, ठीक है ना। वहीं पे आपका जो उत्तर दक्षिणी गलियारा है, जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ये कनेक्ट करेगी श्रीनगर को किसके साथ, तो आप बताओगे कन्याकुमारी के साथ। श्रीनगर से किसको जोड़ेगी ये, तो आप बता दोगे कन्याकुमारी को। तो श्रीनगर से कन्याकुमारी को उत्तर दक्षिणी गलियारा। जो पूर्वी पश्चिमी गलियारा है वो असम के सिलचर को किसके साथ, तो गुजरात के पोरबंदर के साथ, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना है, इसकी लेंथ हो गई कितनी, 4000, इसकी हो जाएगी 3300, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 5846 किलोमीटर। ये तो याद है ना आपको, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पहला ऐसा एक्सप्रेस वे है कंट्री का जो NHAI के अंतर्गत नहीं आती है, और इसे राज्य सरकार के द्वारा क्या किया गया था, विकसित किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे है, ये भारत की पहली ऐसी एक्सप्रेस वे है जो NHAI के कंट्रोल में नहीं है, विच इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ NHAI। और इसे बनाया गया था किसके द्वारा, आप बताओगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। ये पूरा नेटवर्क है आपके किस चीज का, देखो ये सिलचर आ गया, यहां से फिर आपको ध्यान रखना है ये पूर्णिया हो गई, ये मुजफ्फरपुर हो गई, ठीक है ना, ये आपका ये लखनऊ का हिस्सा हो गया, ये सबको जोड़ता हुआ चला जाता है पोरबंदर तक। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो उत्तर दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गलियारा है, ये एक दूसरे को कहां पे काटती है, कहां पे इंटरसेक्ट करती है, अगर ये पूछा जाए आप लोगों से कि जो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ठीक है ना, वो कहां पे मिलती है, तो अगर पूछा जाए ये जो श्रीनगर है और ये आपका कन्याकुमारी है, ठीक है ना, ये आपकी सिलचर कहां पर है, असम में, और पोरबंदर कहां पे है आपका, तो आपको ध्यान रखना है गुजरात में। तो ये जो श्रीनगर से लेकर के जो चलने वाली हाईवे है कहां तक, तो आप बताओगे कन्याकुमारी तक। और यहां पे जो आपका हाईवे है जो कि सिलचर असम से लेकर के और जा रही है पोरबंदर गुजरात तक, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां पे करती है, तो आप क्या बता दोगे, झांसी में। बिल्कुल सही है, ये इंटरसेक्ट कहां पे करेगी, तो आप बता दोगे झांसी में। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब NH-44 के बारे में ध्यान रखना, ये इंडिया की लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है
और इसकी जो लेंथ है इसको थोड़ा अपडेट कर लो आप लोग, 3,806 किलोमीटर, ठीक है ना, 3,806 किलोमीटर जो है ये टोटल लेंथ है किसकी, आप बता दोगे, NH-44 की। और ये भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है जो श्रीनगर से स्टार्ट होती है और जाती है कन्या। एक चीज ध्यान रखना, जितने भी नेशनल हाईवे नॉर्थ टू साउथ जा रही है या साउथ टू नॉर्थ आ रही है, ध्यान से समझो, जितनी भी नेशनल हाईवेज नॉर्थ टू साउथ आती है उसका नॉमेनक्लेचर किया गया है इवन नंबर में, ठीक है ना। तो जितने भी इवन नंबर वाले हाईवे होंगे, इवन नंबर वाले जो एनएच होंगे, वो क्या करेगी, तो कनेक्ट करेगी नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर। और वहीं पे आपको ध्यान रखना है जो ऑड नंबर वाले नेशनल हाईवेज हैं, ठीक है ना, ये आपको रन करती है ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट, पूरब से पश्चिम और या पश्चिम से पूरब। तो जितने भी ऑड नंबर्ड हैं वो ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट हैं, और जितने भी इवन नंबर्स हैं उस वो कहां से कहां तक जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, जो NH-44 है इसका पुराना नाम NH-7 था, जो कि वाराणसी को कनेक्ट करती थी किसके साथ, कन्याकुमारी के साथ। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि NH-44 जो है इसमें 7 मेजर हाईवेज को क्या किया गया है, मर्ज किया गया है, ठीक है ना। भारत के जो 7 महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे हैं, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है उसको मर्ज कर दिया गया है। कैसे, NH-1, NH-1A, NH-2, NH-3, इसके बाद ध्यान रखना है NH-7, NH-26 और NH-75, NH-1, 1A, 3, 7, याद करो इसको। उसके बाद आपको ध्यान रखना है 26 और 75, ये जितने भी इंपॉर्टेंट हाईवेज हैं इनको मर्ज किया, NH-1, 1A, 2, 3, 7, 26, 75, इनको मर्ज करके और NH-44 को क्या किया गया, डेवलप किया गया है। जो सेकेंड लॉन्गेस्ट हाईवे है, अगर पूछा जाए कि भारत की दूसरी सबसे लंबी राष्ट्रीय मार्ग कौन सी है, ठीक है ना, तो अगर सेकेंड लॉन्गेस्ट हाईवे की हम बात करते हैं, अगर सेकेंड लॉन्गेस्ट हाईवे की बात करेंगे हम लोग, तो ये कौन सा हो जाएगा, NH-27, ठीक है ना। ये हिस्सा है उत्तर दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गलियारा का, ठीक है ना, जो कि पोरबंदर से शुरू होकर के और टर्मिनेट होती है सिलचर असम में। इसकी लेंथ कितनी है, 3,507, ठीक है ना। जो NH-27 है इसकी लेंथ आपको ध्यान रखना है कितनी हो जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है 3,507 किलोमीटर, ठीक है ना। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया की NH-44 के बाद। और झांसी वो एरिया है जहां पे नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट। तो अगर सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे पूछा जाएगा NH-44, सेकेंड लॉन्गेस्ट हाईवे पूछी जाएगी NH-27। फिर हम लोग आते हैं NH-48 पे, ठीक है ना। ये थर्ड लॉन्गेस्ट हाईवे है इंडिया का और इसका पुराना नाम क्या था, तो NH-8। जो NH-8 है, ठीक है ना, इसका नाम बदल के रखा गया NH-48, ठीक है ना। ये दिल्ली से स्टार्ट होती है और जाती कहां तक है, चेन्नई तक, ठीक है ना। ये हमारा पुराना NH-8 है जो कि दिल्ली से जयपुर, जिसमें आपको किशनगढ़ एक्सप्रेसवे भी शामिल है, ठीक है ना, नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 1, उदयपुर से लेकर के वडोदरा और बड़ौदा से लेकर के मुंबई, ठीक है ना, इसको मर्ज किया गया है, इसको ध्यान रखना है। इसमें अहमदाबाद वडोदरा जो पहला एक्सप्रेस वे है इंडिया का वो इंक्लूडेड है, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे है, जयपुर किशनगढ़ एक्सप्रेस वे है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, ये सब पार्ट है किसके, NH-48 के। तो हम ये कह सकते हैं कि जो NH-48 है इसमें कौन कौन से मेजर हाईवेज मर्ज हैं, तो आपको ध्यान रखना है अहमदाबाद वडोदरा, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस वे है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इसमें दिल्ली गुड़गांव, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जयपुर किशनगढ़ एक्सप्रेस वे है, ठीक है ना, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है वेस्टर्न एक्सप्रेस वे हाईवे है, वेस्टर्न एक्सप्रेस वे हाईवे है, ठीक है ना। तो अहमदाबाद वडोदरा, दिल्ली गुड़गांव, जयपुर किशनगढ़ और वेस्टर्न एक्सप्रेस वे हाईवे, इन सब को मर्ज किया गया है NH-48 में, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2,807 किलोमीटर। तो लॉन्गेस्ट हाईवे इज 44, सेकेंड लॉन्गेस्ट हाईवे इज 27, थर्ड लॉन्गेस्ट हाईवे इज विच वन, तो आप बताओगे 48, ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है एनएच नंबर 52, इसकी लेंथ कितनी है, 2,317 किलोमीटर, ठीक है ना। NH-52 की जो लेंथ है ये 2,317 किलोमीटर लंबी है। जो अब देखो जैसे 52 है,
तो 52 आपका क्या है, ये इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्थ टू साउथ, ये कहां से कहां तक रन करेगी, तो ये नॉर्थ टू साउथ होगी, ठीक है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर, तो ये कनेक्ट करती है उत्तर भारत को दक्षिण भारत के साथ। ये गुजरती है आपको हिसार हरियाणा, जयपुर, कोटा, इंदौर, धुले इन महाराष्ट्र, औरंगाबाद इन महाराष्ट्र, बीजापुर कर्नाटका, हुबली कर्नाटका, ठीक है ना। तो हिसार से हुबली रख सकते हो ध्यान इसको आप, ठीक है ना। हरियाणा के हिसार को कर्नाटक के हुबली के साथ जोड़ती है कौन सी हाईवे, तो आप बताओगे NH 58, जो कि फोर्थ लॉन्गेस्ट हाईवे है इंडिया की, ठीक है ना। तो भारत की जो चौथी सबसे लंबी राष्ट्रीय मार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसका नाम है NH 52, जो कि कनेक्ट कर रही है, जो कि जोड़ रही है किसको, तो आपको ध्यान रखना है हिसार इन हरियाणा टू हुबली इन कर्नाटका, हिसार इन हरियाणा टू हुबली इन कर्नाटका। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कौन से हाईवे के बारे में, तो NH 30 के बारे में। इसकी लेंथ 2010 किलोमीटर, कितनी लेंथ है इसकी, तो 2010 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो जो 2010 किलोमीटर इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। जो नेशनल हाईवे नंबर 30 है, इसको हम लोग नेशनल हाईवे 221 के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, तो आपको ध्यान रखना है नेशनल हाईवे 221 के नाम से, ठीक है। अब ध्यान रखना है ये उत्तराखंड के सितारगंज को आंध्र प्रदेश के इब्राहिम पट्टनम के साथ कनेक्ट करती है, कौन सी, NH 30, उत्तराखंड के सितारगंज को आंध्र प्रदेश के इब्राहिम पट्टनम के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है ना। और NH 30 जो है वो इंडिया के 6 मेजर स्टेट्स को कवर करती है, ठीक है ना, जिसमें आपको इसमें इंपॉर्टेंट सिटीज आपकी आ जाएगी लखनऊ, इसके इसमें आ जाएगा इलाहाबाद, फिर आपकी आ जाएगी जबलपुर, फिर आपकी आ जाएगी रायपुर, फिर आपका आ जाएगा भद्राचलम। लखनऊ, इलाहाबाद, जबलपुर, रायपुर, भद्राचलम, ये वो सारे इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो कि जहां से गुजरती है NH नंबर कौन सी, 30। फिर आपका आता है NH 6, ठीक है ना। ये जो NH 6 है ये लॉन्गेस्ट हाईवे है पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उन सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सी हो जाएगी, तो आप बता दोगे NH 6। ये शुरुआत होती है जोराबत, जो कहां पर है, मेघालय में, और ये एंड करती है मिजोरम के कौन से प्लेस में, सेलिंग में, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है जो जोराबत है कौन सा है, जोराबत है कहां पे, आपको ध्यान रखना है मेघालय में। तो मेघालय के जोराबत से शुरू होकर के और ये जाती कहां तक है, तो आप बताओगे सेलिंग, ये सेलिंग कहां पर है, तो आप बताओगे मिजोरम में, ठीक है ना, मिजोरम के सेलिंग तक जाती है। और ये 1873 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे है, जो कि सबसे लंबी नेशनल हाईवे है कहां पे, पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, और ये पास करती है असम, मेघालय, मिजोरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1873 किलोमीटर लॉन्ग है, असम, मेघालय, मिजोरम, ये ध्यान रखना है। मा 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 नहीं हो जाएगा, एम, असम, मेघालय, मिजोरम, इन तीनों से गुजरती है ये, ठीक है ना। फिर आपका आता है NH 53, जिसकी लेंथ कितनी है, 1781 किलोमीटर, कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है 1781 किलोमीटर लॉन्ग है हमारा NH 53, ठीक है ना, जो कि गुजरात के हजीरा को जोड़ती है उड़ीसा के पारादीप के साथ, ठीक है ना, गुजरात के हजीरा को उड़ीसा के पारादीप से जोड़ती है। और ये गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये जो चार इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं इनको कनेक्ट करती है, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये जो चार राज्य हैं, इन चारों राज्यों को क्या करती है, तो आप बताओगे कनेक्ट करने का काम करती है कौन सी हाईवे, तो नेशनल हाईवे नंबर 53। ठीक है, तो ये 52 जो हाईवे है ये गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सहित चारों राज्यों से गुजरती है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर आपका आता है NH 16, दिस इज द नेशनल ओल्ड हाईवे, नेशनल नंबर 5, ये हमारे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का हिस्सा है, ये हमारे भारत के पूर्वी तट के बिल्कुल पैरेलल चलती है, ये ध्यान रखना है। इट रन पैरेलल टू द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, जो पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है, इनको ये जोड़ती है, ठीक है ना। और ये हाईवे जो है
ये चार राज्यों के इंपॉर्टेंट सिटीज को क्या करती है, कनेक्ट करती है। फिर NH-66, इसको हम बोलते हैं कोस्टल हाईवे ऑफ इंडिया, इसको कहा जाता है कोस्टल हाईवे ऑफ इंडिया, इसको हम भारत की तटीय राजमार्ग बोलते हैं, कोस्टल हाईवे ऑफ इंडिया। तो NH-66 जो कि पहले NH-17 के नाम से जानी जाती है, ये पश्चिमी घाट के बिल्कुल समानांतर यानी कि ये वेस्टर्न घाट्स के पैरेलल चलती है। इसकी शुरुआत होती है आपको महाराष्ट्र के पनवेल में, ठीक है ना। ये कहां से शुरू होती है तो आप बताओगे पनवेल, जो पनवेल है आपका कहां पे महाराष्ट्र, वहां से शुरू होकर के और ये जाती कहां तक है तो आप बताओगे कन्याकुमारी, कहां पर, तमिलनाडु में, ठीक है ना। तो इट स्टार्ट फ्रॉम पनवेल और टर्मिनेट करती है कन्याकुमारी में, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, 5 स्टेट से ये क्या करती है, गुजरती है, इसको आपको ध्यान रखना है। चिपलून, मनगांव और एलाफुजू, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज है जहां से आपको ध्यान रखना है NH-66 हमारी ट्रेवल करती है। NH-19 जो कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है, 1453 इसका ध्यान रखना है, 1453 किलोमीटर की लेंथ है, ये हमारा ओल्ड NH-2 है। और जो NH-2 है इसको हम लोग GT रोड के नाम से भी जानते थे, इसको हम ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं। तो नेशनल हाईवे 19 जो है ये टॉप 10 लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया है, जो दिल्ली और कोलकाता को जोड़ती है। ये वन ऑफ द बिजिएस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया का, वन ऑफ द बिजिएस्ट, ये ध्यान रखना, दिस इज द बिजिएस्ट, वन ऑफ द बिजिएस्ट नेशनल हाईवे। ये दिल्ली, आगरा, वाराणसी, बरही, आसनसोल, कोलकाता से गुजरती है और ये पार्ट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का और ये मुख्य हिस्सा है हमारे ऐतिहासिक GT रोड का, ये भी ध्यान रखना है। जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उसका एक सबसे अहम पार्ट है हमारा कौन सा हाईवे, तो आप बता दोगे NH-19। फिर आती है आपको NH-34, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, ये जब दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, उसके बाद रुड़की, उसके बाद आप कह सकते हो हरिद्वार, ऋषिकेश और वहां से होता हुआ फिर अगर चले जाओगे आप कहाँ पे, तो आप बताओगे कहाँ पे, गंगोत्री की तरफ, तो उसके लिए NH-34 का हम यूज करते हैं। तो NH-34 जो है, अब देखो ये क्या है, इवन है, तो गंगोत्री धाम उत्तराखंड से लेकर के शुरू करती है और ये जाती है कहां तक, जबलपुर मध्य प्रदेश तक, ठीक है ना, नियर लखनदौन। ये 1426 किलोमीटर, 1426 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे है, कितनी है, 1426 किलोमीटर इसकी क्या है, टोटल लेंथ है, ठीक है ना। और इसमें उत्तरकाशी हो गई, ऋषिकेश हो गई, हरिद्वार हो गई, गाजियाबाद हो गया, बुलंदशहर, अलीगढ़, दामोह और जबलपुर, यानी कि यही जो हाईवे है, जो ये दिल्ली नहीं आती, ये ध्यान रखना, दिल्ली नहीं आती, ये हाईवे स्टार्ट कहां से हो जाती है, तो अगर आप दिल्ली के आसपास हो तो गाजियाबाद, जैसे ही आप एंटर करोगे तो गाजियाबाद पे जाने के बाद ये हाईवे जो है वो क्या हो जाएगी, स्टार्ट, जिसका नाम क्या है आपका, NH-34। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, एम आई क्लियर टू एवरीवन, इसको प्लीज आप लोग भूलिएगा नहीं, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो ध्यान रखना है NH-34। वहीं पे फिर आपका NH-2 जो है वो भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। ये डिब्रूगढ़ असम से शुरुआत होती है इसकी और ये कनेक्ट करता है असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम को, असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। शिवसागर, कोहिमा, इम्फाल और तुईपांग, इसको कनेक्ट किया जाता है। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट हाईवे है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, किसके बाद, तो आपको ध्यान रखना है, विच इज द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ, क्या बात है हेमा जी, अब बताओ विच इज द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उत्तर पूर्वी राज्य की सबसे लंबी हाईवे कौन सी है, अगर आपसे पूछा जाए विच इज द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, क्या बताओगे आप, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की सबसे लंबी हाईवे क्या, जैसे यहां पे NH-2 जो है ये बताया गया है कि सेकेंड लॉन्गेस्ट हाईवे है, पूरे पूर्वोत्तर राज्य की जो दूसरी सबसे लंबी राजमार्ग है वो कौन सी बता दी मैंने आपको यहाँ पे, तो वो मैंने बता दिया यहाँ पे आपको कौन सा, तो आपको ध्यान रखना है ये कौन सी हो जाएगी,
आपको ध्यान रखना है NH2 सेकेंड लॉन्गेस्ट हाईवे है और NH6 जो है वो लॉन्गेस्ट हो जाएगी। बताया था ना M, असम मणिपुर मेघालय, असम मिजोरम मेघालय सॉरी, आई बात समझ में। अब आता है NH13, ठीक है ना, इसको हम लोग NH229 कहते थे, ये तवांग इन अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करती है असम के पासी घाट को, ठीक है ना। ये 1150 किलोमीटर लंबी हाईवे है, ठीक है ना, जो कि बहुत ही बेहद सुंदर शहर सेलालेक, दिरांग, बॉमडिला, जीरो टाउन, बीरू और पासीघाट, यानी कि तवांग जो है अरुणाचल में, अरुणाचल की जो तवांग है इसको आपको ध्यान रखना है असम के पासीघाट से जोड़ा जाता है। NH47 जो है ये आपको बामन बोर गुजरात में शुरू होती है और नागपुर महाराष्ट्र में टर्मिनेट हो जाती है। NH31 ये उत्तर प्रदेश में स्टार्ट होती है और बंगाल तक जाती है, ठीक है ना, बिहार के थ्रू, इसको आपको ध्यान रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट, और NH आपको ध्यान रखना है 966B, जिसका पुराना नाम आपका है NH47A, ये आपको ध्यान रखना है। इट इज द शॉर्टेस्ट, ये शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे है और इसकी जो लेंथ है वो केबल कितनी है तो आपको ध्यान रखना है 8 किलोमीटर, कितनी है 8 किलोमीटर। ये किसको कनेक्ट करती है तो आपको ध्यान रखना है जो कुंडा नूर है उसको कनेक्ट करेगी किससे, ये तो आपको ध्यान रखना है वेलिंगटन आइलैंड से, किससे, और ये दोनों कहां पे है तो आपको ध्यान रखना है केरल में, कहां पर है केरल में। आई बात समझ में, कुंडानूर से लेकर के कहां पर वेलिंगटन आइलैंड तक कनेक्ट किया जाता है किसको, तो आपको ध्यान रखना है हमारे स्मॉलेस्ट हाईवे को। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास, आज के क्लास में इतना ही, मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कल सुबह 9 बजे आप लोगों को आना है करंट अफेयर्स के मैराथन पे, तो कितने लोग आ रहे हो प्लीज मुझे बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू आर कमिंग टुमारो, कितने लोग कल आकर के ज्वाइन करोगे सेशन को एक बार बताना जरूर मुझे। और कल सुबह 9 बजे, कल करंट अफेयर्स की जगह हम लोग करंट अफेयर्स मैराथन कर रहे हैं, तो आप सबों को कल वहां पे प्रेजेंट रहना है, ठीक है ना, आई बात समझ में। तो टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द, कल हमारा क्या होगा तो आप बताओगे, करंट अफेयर्स मैराथन, आई बात समझ में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या किसी को भी तो प्लीज बताइए मुझे, सभी लोग, ठीक है ना। और प्लीज आस्क योर फ्रेंड्स आल्सो टू ज्वाइन द सेशन टुमारो, उन लोगों को बोलो कि कल का सेशन देखें, जो भी लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं CDS की, और 10 अप्रैल को जिनका भी पेपर है उन सबों को कल इन्वाइट करो हम लोगों के जलसे में, और कल हम लोग डिस्कस करेंगे किस चीज को, तो आपको ध्यान रखना है हमारे करंट अफेयर्स के मैराथन को। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स अ लॉट एवरीवन।